दोस्तों, मेरा चैनल विद्याभ्यास नीतीश में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में कंप्यूटर से रिलेटेड कुछ प्रश्नों का हल करेंगे। तो आइए, पहला प्रश्न है, कंप्यूटर में यूजर को क्या कहा जाता है? जो कंप्यूटर को चलाता है, जो उसको उपयोग करता है, उसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? 34 ऑप्शन दिया हुआ है और यह फिगर भी आपको दिया हुआ है, इससे आप हिंट्स ले सकते हैं। पहला ऑप्शन है ह्यूमनवेयर, हार्डवेयर, फर्मवेयर या फ्रीवेयर। इन चारों ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ह्यूमनवेयर। ह्यूमनवेयर जो यूज करता है, मनुष्य यूज कर रहा है, तो ह्यूमनवेयर बोलेंगे इंग्लिश में। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, तो इसमें है, संसार का पहला गणन यंत्र क्या है? तो संसार का पहला जो गणन यंत्र है वो आपको पता होगा और ये इस चित्र को समझ सकते हैं, इसका नाम क्या है? इसमें चार ऑप्शन है, एबेकस है, मार्क वन है, आइनिक है, नोट। इन चार ऑप्शन में से करेक्ट आंसर क्या है? इसका करेक्ट आंसर है एबेकस। नेक्स्ट प्रश्न पे देखते हैं, नेक्स्ट वो कौन सा उपकरण है जो भौतिक छवि का डिजिटल में बदल देता है? लाइक कौन सा एक ऐसा डिवाइस है जो भौतिक छवि को, किसी भी इमेज को डिजिटल में कन्वर्ट कर देता है? इसमें भी फिगरिंग कर दिए हैं, इससे आप हिंट्स ले सकते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, सो और ऑप्शन से आप टिक लगा सकते हैं। पहला ऑप्शन है स्कैनर, प्रिंटर, बारकोड या रिकॉर्डर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्कैनर। स्कैनर जो भी कोई भी हार्ड कॉपी को हम स्कैन करते हैं, फिर उसको डिजिटली कन्वर्ट करता है, जो कंप्यूटर में सेव करते हैं, तो इसका आंसर होगा स्कैनर। आप DSLR को भी बोल सकते हैं। चौथा प्रश्न है, VGA का पूर्ण रूप क्या है? VGA, देखिए इसको VGA बोला जाता है, जो कंप्यूटर में यूज होता है, मॉनिटर के बैक साइड और CPU के बैक साइड इसको प्लग इन किया जाता है और इसी के कारण आपको मॉनिटर में फिगरिस होता है, ग्राफिक्स दिखते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको फुल फॉर्म पूछा है, शॉर्ट में VGA बोलते हैं। इसको फुल फॉर्म VGA का क्या है पूरा नाम? पहला ऑप्शन है वेक्टर ग्राफिक्स एसोसिएशन, ऑप्शन बी है वेक्टर ग्राफिक्स एरे, ये वीडियो ग्राफिक्स एसोसिएशन और डी है वीडियो ग्राफिक्स एरे। तीन चार ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो है वीडियो ग्राफिक्स एरे, ये करेक्ट आंसर है। फिफ्थ क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कंप्यूटर में डाटा की सबसे छोटी इकाई क्या कहते हैं? कंप्यूटर की भाषा में जो डाटा होता है, उसकी डाटा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? सबसे छोटी इकाई ये है कंप्यूटर की, और इस डिजिट को हम क्या बोलते हैं कंप्यूटर की भाषा में? बाइट बोलते हैं, रिकॉर्ड, बीट या फाइल। तो कंप्यूटर की सबसे जो छोटी इकाई होता है वो होता है बीट, बीट के बाद होता है बाइट। तो इसका आंसर करेक्ट होगा सी। नेक्स्ट है, सूचनाओं का वह समूह जो एक कंप्यूटर को निर्देशित करता है उसे क्या कहते हैं? मतलब जो कंप्यूटर को संचालन करता है डिजिटली, जो भी हम आदेश देते हैं कंप्यूटर को कीबोर्ड या माउस के जरिए, तो वो अपने अंदर जो प्रोसेस करता है वो आखिर कैसे करता है? उसको करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या बोलेंगे? जैसे यहाँ से ये अपना कुछ सर्च किया और इस पर जो शो हुआ, तो ये प्रोसेस जो हुआ, तो कंप्यूटर के भाषा में इसको क्या बोलेंगे हम लोग? ये कैसे इसको दे रहा है, इस कंप्यूटर कुछ सर्च कर रहा है, तो इसको हम लोग देखिए, जैसे इसका कुछ कोडिंग होता है, कोडिंग किया जाता है, इस कोडिंग को अगला हम समझे तो क्या बोलेंगे? इसमें ऑप्शन चार है, नेटवर्क या वेब ब्राउजर या मेमोरी या प्रोग्राम। तो इन चारों ऑप्शन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग किया जाता है कोडिंग के जरिए, जैसे पाइथन हो गया या जावा हो गया, HTML, C++, ये सब जो होते हैं कोडिंग लैंग्वेज है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, इसी को यूज करके इसको बनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 7, कंप्यूटर में डेटा स्टोर तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग करते हैं? कंप्यूटर में डेटा का स्टोर करता है, उसको नंबर सिस्टम को जो प्रयोग करता है कंप्यूटर, उसको क्या बोलेंगे? डिसिमल, बाइनरी, ऑक्टल या हेक्साडेसिमल। तो इसको बोलेंगे हम लोग बाइनरी। 8वां प्रश्न है, नेटवर्क संचार के लिए सबसे तेज माध्यम क्या है? जो भी हम लोग नेटवर्क यूज करते हैं, जैसे टावर होता है, उसमें बहुत सारा टावर्स में आप देखेंगे वायर होगा,
वायर आपको जमीन के अंदर लगाया जाता है और एक स्थान से दूसरा स्थान उसको ले जाता है जमीन के अंदर गड्ढा करके। तो जो वायर बिछाया जाता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? वो जो वायर जो नेटवर्क केबल रहता है वो काफ़ी फर्स्ट रहता है संचार के दृष्टि से, जिसके माध्यम से हम नेट यूज करते हैं, इंटरनेट का लाभ उठाते हैं। तो इस केबल को हम लोग क्या बोलेंगे? कोएक्सियल केबल बोलेंगे, ये ट्विस्टेड पेयर केबल बोलेंगे, ये फाइबर ऑप्टिक केबल बोलेंगे, या रेडियो केबल। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सी, फाइबर ऑप्टिक केबल बोलेंगे, ये जो दिख रहा होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहले इंटरनेट का नाम क्या था? जो सबसे पहले इंटरनेट शुरू हुआ था उसका नाम क्या था? इसको आंसर देखेंगे और इसको आंसर होगा आर्पनेट। 10 प्रश्न पे आते हैं, विंडोज 10 में निर्मित ब्राउजर को क्या कहते हैं? विंडोज 10 में जो ब्राउजर होता है, जब भी आप सिस्टम लीजिएगा तो उसमें विंडोज 7 होता है, विंडोज 10 होता है, और भी विंडोज होते हैं, अभी तो 11 आ गया है। तो विंडोज 10 में जो प्री इंस्टॉल होता है ब्राउजर, उस ब्राउजर को हम लोग क्या बोलेंगे? इंटरनेट एक्सप्लोरर बोलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट आउटपुट बोलेंगे, बिंग बोलेंगे, माइक्रोसॉफ्ट एज बोलेंगे, क्या उसमें रहता है विंडोज 10 के साथ प्री इंस्टॉल? तो वो होगा इसका आंसर करेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट एज। ये माइक्रोसॉफ्ट एज का ही आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पे, इसी टाइप से उसका दिखता है होम पेज। तो चलिए आज के प्रश्न इतने ही, फिर नेक्स्ट प्रश्न लाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक करिए, सपोर्ट करिए, और भी बेहतरीन प्रश्नों लेकर आएंगे।